नमस्ते सस्त्रियाकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है सादिक सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबू सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी किंग सुबाला फेर शकुनी। आइए मिलकर देखते हैं इसका अगला पार्ट। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसीलिए हमारे प्रति उसके मन में ईर्ष्या है पांडु, क्योंकि हम सम्राट विचित्रवीर के रानियों के पुत्र हैं, और ये केवल एक दासी से जन्मा है। दासी के पुत्र नहीं जेष, आप इतना कठोर मत बनिए। हम तीनों एक ही पिता के पुत्र हैं, और विदुर को तो ताश्री और राजमाता ने भी इसी परिवार का ही सदस्य मानते हैं। ना उसके ज्ञान के विषय में किसी को कोई शंका है, और ना ही हस्तिनापुर के प्रति उसके समर्पण में कोई प्रश्न। और उसका एक गुण तो ताश्री को बहुत ही प्रिय है कि सत्य कहते हुए वो मधुरता का विचार नहीं करता। इससे गुण नहीं दोष कहो पांडु। किसी को अपमानित करने के आशय से कहा गया शब्द शब्द नहीं अब शब्द होता है। पर सत्य से अपमानित तो वही होता है जिस जिसके हृदय में असत्य छुपा हो। आपके हृदय में तो सत्य से मिलन कुछ भी नहीं, आप क्यों अपमानित होंगे? आपको तो सदा प्रसन्न रहना चाहिए जिस, क्योंकि दुखी हृदय कभी न्याय नहीं समझता, और राजा का धर्म तो न्याय ही है। प्रसन्नता तो मुझे राज्य अभिषेक के पश्चात प्राप्त होगी पांडु। मैं जन्मांध हूं, प्रत्येक पद पर अगले पद के विषय में शंका रही है मुझे। प्रत्येक पद ध्वनि के साथ अविश्वास उत्पन्न होता है। प्रत्येक शब्द में कोई ना कोई गुप्त अर्थ ढूंढने का प्रयास करता रहता हूं मैं पांडु। जीवन भर इस अविश्वास का ही अभ्यास किया है मैंने पांडु। इस अविश्वास से जन्म लेता है अकेला। अब इस अकेलेपन का अंत तब जब सत्ता मेरे हाथों में होगी। मेरे समीप मेरी आज्ञा के बिना कोई पद्धति नहीं कर पाएगा। तभी जब मैं सम्राट धृतराष्ट्र घोषित कर दिया जाऊंगा, तभी सत्ता तो समाज कल्याण के लिए होती है जेस, और किसी स्वार्थ के हेतु नहीं हो सकती। और वैसे भी अकेलापन सत्ता से नहीं स्नेह से दूर होता है। आपको अब एक पत्नी की आवश्यकता है जेस, जो आपकी आंखें बने और आपका ये अकेलापन दूर कर सके। मेरे पास विवाह के विषय में विचार करने का समय नहीं है पांडु। विचार आपको नहीं करना है, विचार तो ताश्री और राजमाता ने किया ही है। आपका विवाह गांधार की राजकुमारी के साथ तय कर। जानता। सुना है गांधार कुमारी रूप और गुण में अद्वितीय है जेस,
और उनको तो भगवान शिव द्वारा 100 पुत्रों का वरदान भी दिया गया। आप तो अत्यंत भाग्यवान है जेस। भाग्यवान तो गांधार कुमारी है पांडु, तो आगे हस्तनापुर की साम्राज्य बन। महाराज, निर्णय करने के बाद चिंता और दुख से हृदय को दुर्बल करना व्यर्थ होता है। चिंता या दुख नहीं सुधर्मा, अपराध की भावना से घिरा हुआ है हृदय, जैसे एक पहाड़ पड़ा है छाती पर। महाराज, आपने जब भीष्म के प्रस्ताव को मान्य किया तो मुझे बहुत क्रोध आया था, किंतु फिर विचार करने पर मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि आपका निर्णय योग्य था। भीष्म और हस्तिनापुर की सेना के साथ युद्ध हमारी प्रजा के लिए विनाश होगा। एक राजा ने तो निर्णय कर लिया महारानी, पर एक पिता अब भी इस निर्णय को अन्याय मानता है। महाराज, पिता स्नेह से बंधा होता है महाराज, और स्नेह सदा ही दुर्बल बनाता है। देखो सुधर्म, उद्यान में हमारी पुत्री कितने आनंद से खेल रही है। सुख के वृक्ष पर अपने सपनों की नींव बनाने वाली चिड़िया की भांति उसे पता भी नहीं कि शीघ्र ही उस वृक्ष के मूल पर ही कुठार पड़ने वाला है। राजकन्या है वो महाराज, अपनी प्रजा के हेतु यदि उसे बलिदान देना पड़े तो वो हंसते हुए देगी। पर ये बात मैं अपनी पुत्री को किस मुंह से बताऊंगा सुधर्मा, कि गांधार के प्रजा के सुख के हेतु मैंने उसे जीवन भर के दुख का उपहार दिया। अभी नहीं महाराज, अभी गांधारी के आंखों में सुख स्वप्न तैर रहे हैं, और मैं उन स्वप्नों को आश्रम में परिवर्तित होते नहीं देख सकती। उसके भाग्य को स्वयं उसके सामने उपस्थित होने दीजिए। और जब शकुनी मिर्गिया से लौटेगा तब क्या होगा महारानी? वो अपनी बहन के लिए अपार स्नेह रखता है, वो इस बात को कदापि स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी बहन का विवाह एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ होने वाला है। युवराज, ये रस्सा टूट जाएगा, दो व्यक्ति का भार ये नहीं सह सकता। तो मैं रस्सा छोड़ देता हूँ सैनिक, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। नहीं युवराज, नहीं, आपके प्राण मेरे प्राण से अधिक मूल्यवान है। तो फिर तुम रस्सा छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ दो।
क्या बात है जी, ये नई एंट्री बदल ही किसकी है? ये नए महाराज तो फिर आ गए हैं। ये गंधार का युवराज है। हैं? गंधार का युवराज। नहीं नहीं अभी कोई नहीं पता ये किसका है। गंधार को कह नहीं रहा था अपनी बीवी को कि जब हमारा बेटा आएगा तो जब उसको पता चलेगा कि उसको हमने एक अंधे लड़के के साथ ब्याह दिया तो वो क्या रिएक्ट करेगा। उसने कर तो दिया है, एक सैनिक की जान एंट्री होते ही उसने जो है वो उसकी जान ले। लेकिन देखिए एक बाप के लिए और एक राजा के लिए फैसला करना कितना मुश्किल है। अपनी बेटी को वो देखे ऐसे व्यक्ति से ब्याह दे जा रहे हैं जिसकी आंखें नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं सोच रहे वो तो वहां महारानी बनेगी। और दूसरा ये है कि फैसला किस लिए लिया जा रहा है, जो जो गंधारी की जो जनता है आवाम है, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर पाएगी इतनी बड़ी सेना हसीना को की सेना का। भीम जो है ना वो रिश्ता लेने के लिए गए तो इनकार करते तो फिर भाई वो इनकार नजर ही नहीं आना था कि गंधार कोई है। लेकिन खैर आगे जाके वो चीजों को, क्योंकि वो जैसे कृष्णा जी ने कहा था कि हम उस अगला जो सीन है जो आगे होने वाला है उसको नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, तो इसलिए हम वो फैसले करने पे भी थोड़ी मुश्किल पेश आती है। उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि भाई अपनी जो सीमा है उसको नहीं लांघना चाहिए, वो सारी मर्यादा जो है उसको पार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो वाले जो युवराज है जो महाराजा बनने वाले हैं वो सारी मर्यादाएं आगे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मेरे साथ जुड़ जाएगा उसको होना चाहिए कि भाई क्या बात है, वो खुशकिस्मत है कि मैं इसके साथ जुड़ रही हूँ। देखिए वो सम्राट है, बड़ा बेटा है, उसका हक है, वो बनेगा युवराज बनेगा आगे जाके। लेकिन वो ये भी सोच रही है, उसकी सोच भी तो दर्शा रही है ना कि भाई जब सारी ताकत मेरे पास होगी तो फिर कोई मुझे ये नहीं कर पाएगा अपनी मर्जी। उसकी अभी तक सिर्फ एक ही बात पे सोच चढ़ी हुई है, वो है उसकी आंखें और आंखें, और इसके बारे में कोई बात ना कर सके। ये होता है, ये नेचुरली से वो तन्हाई महसूस कर रहा है और कह रहा है जब मैं महाराजा बनूंगा तब मेरी तन्हाई। ये आपके साथ हो, मेरे साथ हो, किसी के भी साथ हो। देखिए आप छोटी सी मिसाल में यहाँ पे देता हूँ कि लेजेंडरी क्रिकेटर जीत गए फाइनल, कितनी बड़ी बात है और उनकी लोगों की क्या इज्जत है, क्या मकाम है, ये भी आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की सोशल मीडिया के ऊपर और वो जो अपाहिज लोग हैं उनको बुरा लग गया, तो पूरी कौम उनके साथ नहीं, लेजेंडरी क्रिकेटर के साथ नहीं, उन अपाहिज लोगों के साथ खड़ी हुई कि यार उनको बुरा लगा है, तो ये बात हकीकत है, इनको ऐसी वीडियो नहीं करें। फिर उन्होंने भी रियलाइज किया और हरभजन सिंह ने वो वीडियो डिलीट की। तो ये होती है चीजें, ये होती है सोच, ये होती है आपकी इखलाकियत, ये नेचुरल सी चीजें हैं। अब बुरा लगना है वो लग सकता है, जाहिर है वो नहीं चाहता कि भाई कोई इस पर बात, चाहे वो उसका छोटा भाई क्यों ना हो। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए।